जेएलसी केजरीवाल का नया मैसेज आया है, आम आदमी पार्टी ने सुनीता केजरीवाल को स्टार कैंपेनर बनाया। माई नेम इज अरविंद केजरीवाल एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से इस बार यही इमोशनल मैसेज भेजे हैं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं आतंकवादियों जैसा। कल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल से मुलाकात की थी, केजरीवाल के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव का आरोप लगाया था। अब आप सांसद संजय सिंह नया डायलॉग लेकर आए हैं, जवाब बीजेपी से भी मिल रहा है। अब वो अपने आप को पता नहीं क्यों आतंकवादी कह रहे हैं, ये वो जाने उनके साथ ही जाने। ये तो लूट करने के पहले सोचना चाहिए था कि जेल में जाएंगे तो जेल की व्यवस्था क्या है। उधर आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उतारने का मूड बना लिया है। इसी बीच राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के शुगर लेवल की रेगुलर जांच की अपील पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। दीदी ने बंगाल में डर की एक और किताब खोल दी। ममता बनर्जी अब पब्लिक को गोमूत्र और गोबर का डर दिखा रहे हैं। लिखे देवे सकाल बेला चा खाओ चायर साथे गोमूत्र खाओ, अपनी की खाबे लिखे देवे दुपुर बेला की खाबे गोबरेर साथे किछु मिशिए खाओ। पोलिंग से तीन दिन पहले बंगाल में दीदी नया डर दिखा रही हैं। बीजेपी आई तो चाय के साथ गोमूत्र और खाने के साथ गोबर खिलाएगी, यही कहानी सुना रही है। कूच बिहार की रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। वन लीडर वन भाषण, वन लीडर वन खाना, वन लीडर वन आर की बोलबो। तीन दिन बाद यहां वोटिंग है, वहां ममता बनर्जी रामनवमी पर दंगे की साजिश का डर भी दिखा रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 19 अप्रैल को लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव होगा। ये सीटें हैं कूच बिहार, अलीपुर द्वार और जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग होगी। बीजेपी ने बंगाल में संदेश खाली को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। दीदी बैकफुट पर है और रोज नया नैरेटिव लेकर पब्लिक के सामने जा रही है। हैदराबाद के छोटे भाईजान अपने कत्ल का डर दिखाकर लोगों को भड़का रहे हैं, बड़े भाई के लिए चुनावी माहौल बना रहे हैं। हमको परवाह नहीं है, हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी, नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा। हैदराबाद के मुस्लिम मोहल्लों में अकबरुद्दीन ओवैसी यही टेप बजा रहे हैं, अपने और अपने भाई असदुद्दीन ओवैसी के कत्ल का डर दिखा रहे हैं। क्या असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाए। हैदराबाद सीट से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव मैदान में हैं, उनका मुकाबला करने के लिए माधवी लता को उतारा गया है। माधवी लता हैदराबाद में कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों पर एक साथ 13 मई को मतदान होगा। 2019 में यहां बीआरएस ने 9 सीटें जीती थी, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, एमआईएम को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार ओवैसी ब्रदर्स के सामने चुनौती अपना गढ़ बचाने की है। रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने को बेकरार नजर आ रहे हैं, बस इंतजार है तो किसी लिस्ट में नाम आने का। यूपी से हरियाणा तक प्रियंका के पति अपने लिए संभावित सीटों की मार्किंग कर रहे हैं। अमेठी रायबरेली से मुरादाबाद तक रॉबर्ट वाड्रा की नजर है। ये नहीं है कि अमेठी से, मुरादाबाद से भी है और हरियाणा से भी अलग अलग लोग मेरी विनती कर रहे हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। हमेशा मेरे को एक राजनीतिक टूल या सॉफ्ट टारगेट या हार्ड टारगेट जैसे भी है इस्तेमाल करते हैं जब भी कोई भी इलेक्शन हो। इस बार रायबरेली से सोनिया गांधी ने कदम पीछे खींच लिए हैं। राहुल भी वायनाड सीट रिटेन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली से अब तक कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। उधर रॉबर्ट वाड्रा यूपी में घूम रहे हैं, हालांकि अभी भी अमेठी और रायबरेली के लिए कांग्रेस नेताओं की पहली चॉइस राहुल और प्रियंका है। यूपी में कहानी ये भी चल रही है कि अमेठी में खोई जमीन वापस हासिल करने के लिए राहुल मैदान में आ सकते हैं, प्रियंका भी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी की किसी सीट से टिकट नहीं मिला तो रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा जाने को भी तैयार हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में यूपी के 2 सिटिंग सांसदों का टिकट कट गया है। बीजेपी ने अपनी 12वीं लिस्ट में 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसमें महाराष्ट्र की 1, पंजाब की 3, यूपी की 2 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट शामिल है। यूपी के जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट तय किए हैं वो है फिरोजाबाद और देवरिया।
देवरिया से ठाकुर विश्वदीप सिंह और फिरोजाबाद से शशांक मणि त्रिपाठी का टिकट कंफर्म हो गया है। कैसरगंज सीट से ब्रिजभूषण सिंह की दावेदारी पर अब भी सस्पेंस है। महिला पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रिजभूषण सिंह के टिकट पर संकट मंडरा रहा है। बंगाल के डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को टिकट दिया गया है। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास मैदान में होंगे। उधर मायावती ने वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मायावती ने मोदी के खिलाफ मुस्लिम कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। वाराणसी में सपा के बागी नेता अतर जमाल लारी को हाथी की सवारी का मौका मिला है। इंडी गठबंधन से कांग्रेस ने अजय राय को पीएम के खिलाफ उतारा है। वाराणसी में मायावती के मुस्लिम कैंडिडेट देने से इंडी अलायंस का वोट डिवाइड हो सकता है। मोदी की जीत का मार्जिन और बढ़ सकता है। 2019 में मोदी ने वाराणसी में 4,75,000 वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की थी। 3 दिन बाद पहले चरण का चुनाव है। चुनाव आयोग की टीम सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने निकल चुकी है। आज नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान दलों को बूथों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के बीजापुर नारायणपुर में ईवीएम के साथ टीम पहुंच चुकी है। 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी चुनाव है। बस्तर के जंगली और दुर्गम इलाके नक्सल इफेक्टेड है। यहाँ सुरक्षा के भारी इंतजाम के बीच चुनाव होते हैं। 33 पोलिंग बूथों पर पोलिंग टीम को पहुंचाने की जिम्मेदारी वायुसेना के पास है। इस प्रकार हमारे जितने भी जो थ्रेट वाले एरिया हैं, जो इंटरनल एरिया हैं, जैसे आपके गलगम हो गए और पालनार हो गया, पुसनार हो गया, इस तरह के इंटरनल जितने एरियाज हैं जहां FOBs हैं, वहां पर हम लोग हेलीड्रॉपिंग के थ्रू हम लोग अपना वो करा रहे हैं, वोटिंग करा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर महाराष्ट्र की गढ़चिरौली सीट अति संवेदनशील सीट में शामिल है। 2019 के आम चुनाव में गढ़चिरौली में करीब 60% मतदान हुआ था। बस्तर में करीब 57% मतदान हुआ था। इस बार वोट परसेंट बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है।